ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਤੋਂ 25 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਮਿਲਿਆ। ਆਟੋ ਦੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲ ਘੋਟ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੜਕਸਾਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਖੜਿਆ ਦੇਖਿਆ ਲਵਾਰਿਸ, ਤਾਂ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आए दिन यहाँ कूड़ा का पर डंप में कभी किसी का मोबाइल छीना गया, कभी कुछ छीना गया, आए दिन कांड होता है। इसके लिए रोक लगना चाहिए, MLA को सोचना चाहिए, इधर लाइट लगवाएं, इधर रोड बनवाएं, इधर सीवरेज बनवाएं। आदमी 10 बजे का बाद कोई निकल, सरकारी आदमी की ड्यूटी हो 6 बजे का बाद कोई नहीं निकलता है इसी डर से। अगर जो निकल गया तो सोचो उसके साथ कांड हो गया। हमें देखते हुए कम से कम यहाँ पे जो है ना 20 मर्डर हो चुके हैं सर, 20 से भी ज्यादा अनलिमिटेड मर्डर हो चुके हैं। और नहीं होगा इसका, अगर हर महीना 10 दिन में होता ही रहता है, पब्लिक भड़केगा। अभी अभी सिंपल बंदा जाए रात के 10 बजे, उसको जो है ना पुलिस वाले कूड़े में ही खड़े रहते चलान काटने के लिए। आज मर्डर हो जाता तो पुलिस वाला नहीं आता। ये काम होना चाहिए, चक्कर क्या है पता है, ये लाइट नहीं लगने का कारण आए दिन दारू पिया जाता है, शराब पिया जाता है, सब कुछ भाजी। 11 बजे चलान कटन मेनू मुलसाले ने खड़ा लिया। ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਬ ਫੋਨ ਕੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਤੋ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀ? ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਕੌਣ ਨਾ ਕੌਣ ਇਧਰ ਇਸਕੋ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਵੀ ਕਾਮ ਪਰ ਥੇ। ये आपका क्या लगता है? मेरे लड़का है। क्या नाम क्या है इसका? चांद। अच्छा, ये कब से ना लापता है? ओ, कल 3 बजे दिन से लापता है। ये काम क्या करता था? यही अंडे के काम, टेम्पो चला, गाड़ी चला रहा था। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? सर जानकारी मैं कल मालिक मेरे फोन किया 7 बजे रात को, फिर मैं ढूंढने लगा, ढूंढने के बाद ना ये पता नहीं चला था रात में मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। फिर सुबह 6 बजे से मैं घूमने लगा, जहाँ जहाँ वो बोला जाए यहाँ यहाँ अंडा दे रहा है वहाँ वहाँ मैं घूमने लगा, फिर वो नहीं मिला। फिर अभी उसको मालिक के फोन किया तो बोला है आ जाओ तेरे लड़का पर मरा है हुआ है। इसका नाम क्या है? चांद कुमार। कि कोई दुश्मनी वगैरह या कोई? बाबूजी कोई दुश्मनी नहीं इससे था, कोई किसी पर शंका जिस हिसाब से इसका कत्ल हुआ है? बाबूजी मेरे था वो पता नहीं है, ये भी काम पर था मैं भी काम पर थे, मेरे क्या पता है कि इसको समय आया नहीं आया। इसके पास फोन वगैरह है? हाँ जी, 25,000 वाला फोन था। 25,000 वाला? हाँ जी। ये देश के बारे में क्या हो रहा है पंजाब बीच, आए दिन बंदे मरे जा रहे हैं, लूटे हो रही हैं, वारदाते हो रही है, चिट्टे लगाने वाले को बंद कर नहीं रहे, गरीब आदमियों को उठा उठा के बंद कर देते हैं, जो चिट्टा बेच रहे हैं उनको बंद नहीं करते, जो दारू बेच रहे हैं उनको बंद नहीं करते, आए दिन छीन हो रही है, मोबाइल छीन रहे हैं बंदों के, मर्डर हो रहे हैं, क्या मतलब है ये?
कोई बहन चो देश में तरीका के काम ही नहीं है जरा सा भी। हाँ जी सर, इन्हें की हादसा की होया जी? सानू पता लगा ही सवेरे जी। हाँ जी, लाश पई है जी, तो उन्होंने परिवार के मैंबर आ गए तो अगर जो बनती कार्रवाई मुताबिक करा गए। अच्छा, जी डेड बॉडी मिली है वो नैचुरली है या कोई हादसा है या कतल है या की है जी? देखो जी, ये बड़े जो वेरीफिकेशन करा गए तो वेरीफिकेशन करके जो बनेगी कार्रवाई शुरू। लाश की पहचान हो गई है जी? हाँ जी।